एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन्होंने क्या दिया, ड्रा ट्रेंगल पी क्यू आर विथ पी क्यू इजिकल्स टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इजिकल्स टू 3.5 सेंटीमीटर एंड पी आर इजिकल्स टू 4 सेंटीमीटर, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेंगल इज दिस। यानी क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर हो, क्यू आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो यानी 3.5 सेंटीमीटर हो और पी आर बराबर 4 सेंटीमीटर हो। यहां इन्होंने ये पूछा है व्हाट टाइप ऑफ ट्रेंगल इज दिस, या किस प्रकार का त्रिभुज है, यानी किस प्रकार का ट्रेंगल है। तो बता देते हैं किस प्रकार का ट्रेंगल है। यहाँ पे देखिए, ट्रेंगल का जो साइड होते हैं इक्वल होते हैं, और जो इक्वल नहीं होता है वो आइसोसेलेस ट्रेंगल होता है। यहाँ पे देखिए, इक्वल तो है नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ पे क्या है 3.5 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 है, इक्वल तो है नहीं, तो ये कौन सा ट्रेंगल बना हमारा, आइसोसेलेस ट्रेंगल। तो चलिए पहले आपको रफली हम बताएंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रेंगल हम बनाएंगे, ठीक है, रफली बता रहे हैं आपको। देखिए, एक ट्रेंगल हमने बनाया, इसका नाम क्या देना है, पी क्यू आर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पी और यहाँ पे लिखते हैं क्यू और यहाँ पे आर। अब यहाँ देखिए, पी क्यू कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, पी क्यू यहाँ लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर। अब क्यू आर कितना मिला, 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए, क्यू आर कितना मिला, 3.5 सेंटीमीटर। पी आर कितना मिला, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए, पी आर कितना मिला, लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें करना क्या है, रूलर उठाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे कितने का, 3.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद आर पॉइंट से हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से एक रेडियस देंगे कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। सेम क्यू पॉइंट पर निडल रखकर 4 सेंटीमीटर का एक और आर्क लगाएंगे और लाइन को ड्रॉ कर देंगे। चलिए फिगर बना के आपको दिखाते हैं। तो चलिए एक रफली हम ट्रेंगल बनाते हैं यहां पे, देखिए, ठीक है, इसका नाम देना था हमें पी क्यू आर। तो क्यू आर कितना दिया गया था, 3.5 सेंटीमीटर का, ठीक है, पी क्यू कितना दिया गया था, 4 सेंटीमीटर, और पी आर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं रूलर की हेल्प से, ठीक है, देखिए 3.5 सेंटीमीटर का, देखिए ये जीरो से ये मिला हमारा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका नाम देना है क्यू आर, यहां पे लिख दीजिए क्यू आर कितने सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, आर पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। तो यहां पे रखिए रूलर और ये उठाइए कंपास और जीरो से 4 सेंटीमीटर का नाप लीजिए ऐसे, ठीक है, और एक क्या करना है, आर पॉइंट पर निडल रखिए और एक आर्क ऐसे दीजिए, ठीक है, ठीक है, सेम साइज। देखिए, अब क्यू पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क ऐसे देंगे, ऐसे, ठीक है। अब जहां ये क्रॉस हुआ है लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं यहां पे, देखिए ऐसे, और यहां से हम क्यू पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसका क्या नाम था, पी, यहां पे लिख दीजिए पी। तो देखिए पी आर कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, यहां पे लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना मिला, 4 सेंटीमीटर, यहां लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रेंगल तैयार हो गया, यानी वेरीफाई हुआ। तो चलिए इसका
स्टेटमेंट्स भी लिखना है। तो चलिए स्टेप भी लिखिए यहाँ पे, देखिए पहले से लिख कर रखे हैं ताकि आपको ज्यादा समय न देना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कंस्ट्रक्शन, यहाँ लिखेंगे ट्रेंगल पी क्यू आर इन विच पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने जो ट्रेंगल बनाया था देखिए दिखा देते हैं यहाँ पे, पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ए पार्ट में लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन ड्रॉ किया कितने का, 3.5 सेंटीमीटर का, और नाम दिया क्यू आर, ठीक है। आगे देख लीजिए, बी पार्ट में लिखेंगे टेकिंग क्यू एस सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क, यानी क्यू पॉइंट से हमने एक 4 सेंटीमीटर का आर्क दिया, ठीक है। आगे देखिए, यहां लिखा गया है सिमिलरली टेकिंग आर एस सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रा एन अनदर आर्क विच इंटरसेक्ट फर्स्ट आर्क एट पी, यानी क्या करेंगे हम, आर पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का हमने लगाया था आर पॉइंट पे नीडल को रखकर, और हमने क्या किया पी पॉइंट से लाइन को क्या कर दिया, मिला दिया, यानी फर्स्ट वाले आर्क से। आगे देखिए, यहां डी पॉइंट में लिखेंगे ज्वाइनिंग पी क्यू एंड पी आर, और हमने क्या किया लाइन को ज्वाइनिंग किया, यानी पी क्यू और पी आर हमने लाइन को क्या किया, मिला दिया। और यहां पे लिखेंगे हम डी पार्ट में ज्वाइनिंग पी क्यू एंड पी आर इट इज द रिक्वायर्ड आइसोसेलेट ट्रेंगल पी क्यू आर। तो ये आपको पहले ही हम बता दिए थे किस टाइप का ट्रेंगल था, आइसोसेलेट ट्रेंगल था, ये हमारा रिक्वायर्ड हुआ, ये आपको स्टेप लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हुए, दैट्स इट।